ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। अगर हम कहीं कुछ किए हैं अगली जाति के विरुद्ध में पहले, तो हमको फांसी पर अगर चढ़ाएगा तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। आज से नहीं, हम 2004 से ललन सिंह के संपर्क में हैं। उस समय क्या हम बोल दें, अभी बहुत कुछ हम बोल दे सकते हैं उनके बारे में। रात में जाकर के देवधा कॉलेज, ससभाना कॉलेज को खुलवा कर वहाँ बैठ कर बात किए थे। जेल में अंतिम काल करीब 5 साल हम भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा के तृतीय खंड के अति सुरक्षित कक्ष में हम रहे हैं, और 5 साल तो हमें धूप नहीं लगा। वो तो निकले थे उस समय पता चलता था चेहरा से, और उसी समय हम जेल के अंदर भी कई बार प्रशासन से भी झगड़ा झंझट हुआ, माने संघर्ष हुआ कमजोर बंदियों के हक हकूक के लिए। और उसी लड़ाई को हम वहाँ से भी हम वादा करके आए हैं कि सबसे पहले मुद्दा हमारा रहेगा जेल में जो भ्रष्टाचारी है उसको हम दूर करेंगे, और बाहर में भी जितना भ्रष्टाचारी है, विकास हुआ है क्या चीज का? भ्रष्टाचारी का। अमीरों का विकास हुआ है, गरीबों का विकास गरीबी में हुआ है, अमीरों का विकास अमीरी में हुआ है। यही तो विकास हुआ है यहाँ, जो है आपके विकास पुरुष कहे जाते हैं वो किए हैं। पिछड़ी जाति से आते हैं इसलिए अगली जाति के लोग ये कहते रहते हैं, लेकिन कहाँ पर हमको सबूत कर दिए दे कि अगर हम कहीं कुछ किए हैं अगली जाति के विरुद्ध में पहले, तो हमको फांसी पर अगर चढ़ाएगा तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम गरीब गुरुओं के हकूक के लिए लड़ाई लड़े हैं, और जब आगे कोई कदम अगर उठाया है दबंगों ने, तो उसको हमने कुचलने का काम किया है, और इसी का फल आज परिणाम आज इतना प्रेम मिल रहा है हर जगह। नहीं, अचानक दोनों का जोड़ी भगवान ने बनाया होगा तो ही हम भी थे कि शादी नहीं करेंगे, और सुनने में आता है कि भी कह रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, और दोनों को भगवान इसका मतलब रखे हुए था। क्या पहले से सर जान पहचान थी या कुछ ऐसा? जान पहचान कैसे था वो तो परिवार सब बताएंगे ना, या खुद ही बता सकते हैं, कोई जान पहचान नहीं पता। इतना दिन से ठगे महसूस कर रहे हैं वो सौदागर जो हैं ललन सिंह, वो तो सौदागर हैं, सौदा करके जीतते हैं ना, अरबों अरब रुपया वो खर्च कर रहे हैं, कहाँ से लाते हैं? आज से नहीं, हम 2004 से ललन सिंह के संपर्क में हैं। उस समय क्या हम बोल दें, अभी बहुत कुछ हम बोल दे सकते हैं उनके बारे में, लेकिन वैसा नहीं, वो जाकर हमसे मिले थे। क्या उस समय हम फरार नहीं थे, कानून को हाथ में नहीं लिए हुए थे? 10 बजे रात में जाकर के देवधा कॉलेज, ससभाना कॉलेज को खुलवा कर वहाँ बैठ कर बात किए थे, जिस समय की बेगूसराय लोकसभा था उस समय वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे, उस समय हमसे सबसे पहले जाकर के वो मिले थे। वो क्यों नहीं उजागर करते हैं? उस समय क्या क्रिमिनल नहीं थे और आज क्रिमिनल हो गए? आज सेवा कर रहे हैं, जनता का सेवा के लिए जा रहे हैं तो क्रिमिनल हो गए।